शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्यार करते हैं तुमसे, मोहब्बत करते हैं तुमसे, पागल है तुम्हारे पीछे, मना लेंगे तुमको, मतलब तुम मना लोगी उनको। सुनो तो सही, अगर किसी दूसरे से पता चल गया तब, अगर किसी दूसरे से पता चला ना तब मनाएंगे फनाएंगे नहीं, अना मानेंगे, सीधा दाएं से गोली मार देंगे। अब जो ठीक समझ में आ रहा है वो करो। हमारा मन कर रहा है तुमको दाएं से गोली मार दे, तुम्हारा भेजा फोड़ दे। अरे जो चलता नहीं है तुम्हारा, निकलो यहाँ से। अरे अरे तुम्हारे भले के तो बोल रहा है, तुम मत सोचो। बहना कितना भी कर लो कम पड़ ही जाता, हम देख रहे हैं, हम जा रहे हैं। दिमाग खराब कर दिया हमारा, हमारा बंटी, हमारा बंटी। इसे छोड़ना मत, इस लड़की की इतनी हिम्मत किसने हमारे बाल काट दिए? छटाक भर की छोकरी, जब से है ये नाक में दम कर रखा है, आज तुझे कायदे में लाना ही पड़ेगा, चल। रुको। तो वही है जो ब्लैकमेल कर रहा था। चौंक गई ना, जीवर कहां से आ गए? अरे वो नकली है, हमने रखा है। फिरौती के लिए भानु को फोन भी हमने किया था, जानते थे वो तुम्हारे जेवर जरूर मांगेगा। और अब देखना ये है, जब उसको पता चलेगा कि तुम्हारे जेवर नकली हैं, तब क्या होगा? क्या जवाब दोगी उसे? तुम आखिर हमसे चाहते क्या हो? अब ये तुम सोचो। पैसे से तो तुमको कोई मतलब नहीं है, पैसा नहीं चाहते तुम। तुम्हारे पैसे पर हम, तुम हमसे बदला लेना चाहते हो, लेकिन किस बात का, हम तुमको जानते तक नहीं है। कहा जाता है हमसे? सही जवाब, बदला ही लेना है हमें, क्योंकि हमारे अंदर तुम्हारे लिए गजब का गुस्सा है। वो कहा है ना कि जो लोग अपने आप को जरूरत से ज्यादा होशियार समझते हैं ना, उन्हें ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। इसीलिए आज तक अपने आसपास रहते भी तुम हमें जान नहीं पाए। ना ही कभी रिश्तों को समझ पाई, ना ही कभी उन्हें संजो पाई, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा। चंद्रा, 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 बस अपमान, अब और नहीं। अब हम तुमको न चैन से जीने देंगे, न चैन से मरने देंगे, बर्बाद तुम तुम्हें करेंगे, लेकिन तुम ये जान भी नहीं पाओगी कि हम कौन है। चंद्रा,
आग भर की लड़की नाक में दम करके रखा है। चुप, ऐसे संभालोगे हमारा काम? इन बच्चों ने तुम्हें कानी उंगली पे नचा दिया, इनसे भीख मंगवाओगे तुम? इनसे इनका बच्चा तुम्हें सारे बाजार में बेच दे, वो भी दिन दहाड़े। भैया जी हम सब ठीक कर देंगे। बस कुछ नहीं होगा तुमसे, दो हमें दो। भैया जी हमें दो, हटो पीछे, हम निपटते हैं इससे। कौन है ये लड़का? शकल सूरत से तो अच्छे घर का लगता है। भैया जी ये दो दिन पहले ही आया है, अभी इस पे हाथ सीधा नहीं किया ना, इसीलिए ज्यादा जोर मार रहा है। अच्छा क्या बे हीरो, कौन लगती है तेरी? हमारी बहन। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे माँ बाबा के लिए देवी माँ से प्रार्थना करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। श्रावणी हमारी देवी माँ नहीं है, आप उसे डांटिए मत, और ऐसे किसी को मारना अच्छी बात नहीं होती है। अरे भैया जी एकदम झूठा है ये, कोई बहन बहन नहीं है। अरे इसकी माँ तो हमारे पास आई थी, इस लड़की को उठाने का सुपारी देके गई थी। अरे वो तो ये लड़की बहुत तेज निकली कि हमारे हाथ ही नहीं आई, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि ये लोग इस लड़की की बजाय इस लड़के को उठा के ले आए, और फिर पता नहीं कहां पीछे पीछे ये लड़की भी आ गई। ये लोग हमारी माँ के बारे में ये क्या बोल रहे हैं? झूठ, तुम झूठ कह रहे हो, हमारी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो श्रावणी को क्यों पकड़वाएंगे? तुम झूठ कह रहे हो, देखना जब हमारी माँ को पता चलेगा ना कि तुम लोगों ने हम लोग को पकड़ के रखा है, तो वो तुमको छोड़ेगी नहीं। छोड़ो हमें, छोड़ो। श्रावणी, श्रावणी, इन्हें बताओ ना कि ये लोग झूठ कह रहे हैं, हमारी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती ना। हाँ श्रावणी चुप क्यों हो, बोलो ना। माता रानी इस दिए के बुझने से पहले हमारे घर के बच्चे लौट आए, उन दोनों को सही सलामत घर पहुंचा दो माता रानी। बहुत बहुत तुम्हारा रक्षाबंधन, अब तुम दोनों मनमानी किए तो उसकी सजा तो देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी ना? जी भैया जी, और सजा भी ऐसी ताकि ये बच्चे भी कांप जाएं और ऐसी हरकत ना करें। और तुम लोग चूं चपड़ मत करना, वरना इसमें भी बहुत सारी गोलियां हैं, समझ गए ना? छोड़ो,
मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।